पिछले हफ्ते परमेश्वर के वचन से मैंने यह बात याद दिलाई थी कि हम में से हर व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है, ना केवल शारीरिक चंगाई की जरूरत है बल्कि हमको आत्मिक चंगाई की भी जरूरत है। कारण यह है कि जिसने भी इस जन्म में, इस दुनिया में जन्म लिया है, वो पापी है और पाप का ये जो भयानक रोग हमको परमेश्वर के बच्चों से और परमेश्वर के भवन से अलग किए हुए हैं, उससे चंगाई चाहिए। लास्ट हफ्ते मैंने ये भी याद दिलाया था कि जब कुछ लोग चंगे हुए तो किस तरह से उन लोगों ने भाग भाग के लोगों को बताया कि मैं चंगा हो गया हूँ, इतने साल मैं अस्पृश्य था, मैं चंगा हो गया हूँ। उस जमाने में कोई व्यक्ति भयानक महामारी से चंगा हो जाता था तो उसके लिए जरूरी था कि वो मंदिर में जाकर याजकों को दिखाए और याजक इस बात की तसल्ली कर ले कि आदमी चंगा हो गया है और उससे बोले कि हाँ तुम अब चंगे हो गए हो और इसलिए परमेश्वर के लिए जो भेंट वगैरह चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हो। तो इस आदमी से कहा कि तू सीधे सीधे जाके पहले देख कि तू चंगा हो गया है कि उसके बाद दूसरों को बताना। वो तो जाते में ही बताने नहीं, वो जोर जोर से लोगों को बताने लगा, प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी है। ये ना केवल उस व्यक्ति के लिए, इस घटना को परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु के शिष्य ने इसलिए लिखा है कि उस घटना को पढ़ने के बाद हम इस बात को पहचान सके कि हमारी भी जिम्मेदारी यह है। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था। जब हम प्रभु के वचन से इतना देख लेते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न आता है, मैं क्या बताऊंगा, दूसरों को क्या बताऊंगा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में मैं दूसरों को बता सकता हूं। इसके बारे में भी परमेश्वर का वचन बहुत डिटेल में बताता है और उनमें से कुछ विषयों का हम अध्ययन करेंगे। आज बाइबल का जो उत्तरार्ध है, नया नियम जो कहलाता है, नए नियम में पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार या मत्ती रचित शुभ संदेश, उसके पांचवें अध्याय को खोल लीजिए। हिंदी में मैंने जो संस्करण हाथ में बाइबल का ले रखा है इसमें पेज सात पर पांचवें अध्याय को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली पांचवें अध्याय में हम एक घटना पढ़ते हैं। प्रभु यीशु जैसे ही उनका सेवा काल चालू हुआ तो लोग टूट पड़ने लगे उनका संदेश सुनने के लिए। तो एक बार तो इतनी जनता इकट्ठी हो गई कि प्रभु एक पहाड़िया पे चढ़ गए जहाँ से लोगों को संदेश दे सकें। माइक्रोफोन तो होते नहीं थे तो इसलिए ऐसी जगह पर खड़े होकर संदेश देना पड़ता था जिससे सब सुन सकें। चूंकि एक पहाड़िया पर खड़े होकर प्रभु ने संदेश दिया था इसलिए इसको प्रभु का पर्वतीय संदेश बोलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत गजब का संदेश है और हर मसीही को, हर प्रभु यीशु के अनुयायी को इसमें से इस संदेश के एक एक स्टेटमेंट का बड़े डिटेल से अध्ययन करना चाहिए, जिसमें से आज मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस प्रश्न का जवाब है कि ओके ब्रदर, आप कहते हैं कि मैं अपने नव जीवन के बारे में और प्रभु के बारे में दूसरों को बताऊं, बताने के लिए मेरे पास क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा यह कि मुझे एक नया जीवन मिला है? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बातें प्रभु ने आपको दूसरों को बताने के लिए दी हैं जो आज हम यहाँ देखते हैं। सातवें पन्ने पर, पांचवें अध्याय के तेरहवें पद में हम देखते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस बात से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, इसलिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रश्न ये था, आज हमने जिस प्रश्न से आरंभ किया कि ओके ब्रदर, दूसरों को बताना है, क्या बताना है, मेरे जीवन में क्या है,
आपके जीवन में क्या है इसके बारे में प्रभु यीशु ने स्वयं यहां पर कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप कहेंगे कि नमक तो हमारे जान पहचान में सबसे सस्ती चीज है, और प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तुम नमक हो? उसके बदले यदि प्रभु ने कहा होता कि तुम तो घी शक्कर हो तो कोई बड़ी बात होती। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रभु कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। वो अर्थ है जो आज हमको समझना है, और यदि अर्थ समझना है तो आज हम जिस तरह से नमक देखते हैं उस तरह से देखें तो 2000 साल पहले प्रभु ने जो संदेश दिया था उसको नहीं पा पाएंगे। आज तो नमक बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, और आप यदि बाजार में चले जाएं तो किलो के हिसाब से खरीदेंगे तो सबसे सस्ती चीज़ है। अच्छे से अच्छी कंपनी का नमक 14 रुपये किलो आजकल मिलता है, सामान्य कंपनीज का नमक 7 रुपये किलो मिलता है, और यदि आप देशी नमक खरीदें तो 2 या 3 रुपये किलो मिल जाता है, इतना सस्ता है। प्रभु यीशु के जमाने में ऐसा नहीं था, इस बात को पहली बात हम समझें। प्रभु के जमाने में नमक सबसे महंगी चीज़ों में से एक हुआ करता था, और इसलिए प्रभु जब कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो तो प्रभु आपकी कीमत कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रभु ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मेरे और तुम्हारे जीवन में नमक एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसी तरह से इस संसार के लिए नमक एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात को हम मन में रखें, 2000 साल पहले प्रभु ने जो बात कही थी वो उनके दर्शकों ने किस तरह से समझा, उस तरह से समझने की कोशिश हम करें, तब इसका मतलब समझ में आएगा। प्रभु जिस मध्य पूर्व में सेवा करते थे वहाँ कड़ी गर्मी पड़ती थी, गर्मी के दिनों में भी पेड़ की छाया में आप बैठें तो 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी रहती थी। ऐसी कड़ी गर्मी जहाँ पर नल तो होते नहीं थे और आज के समान प्याऊ तो होते नहीं थे, आदमी प्यास के मारे बहुत जल्दी थक जाता था, और पसीना इतना निकलता था कि जिस तरह से अपने यहाँ लू लगती है उसी तरह से लू लग के बहुत सारे लोग मर जाते थे। आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह इलाके में कई लोग जिनको दोपहर को धूप में निकलना पड़ता है वो लोग नमक की पुड़िया जेब में रखते हैं और पानी पीते हैं तो उसके साथ चुटकी भर नमक भी डाल लेते हैं। नमक शरीर के संतुलन के लिए जरूरी है। तो प्रभु ने जब कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो तो प्रभु ये बता रहे थे कि तुम एक बहुमूल्य चीज हो इस संसार में, जिसकी जरूरत जीवन के लिए बहुत अधिक है और जिसके बिना लोग बहुत जल्दी इस जीवन को खो देंगे। उस संसार में लेकिन नमक पाना बहुत मुश्किल था। उस समय नमक कुछ पहाड़ों में होता था, पहाड़ों से काट काट के नमक के क्रिस्टल लाते थे। नमक हम जानते हैं किसी बर्तन में रखा नहीं जा सकता है, वो उस बर्तन को खराब कर देगा। उस समय कांच के मर्तबान नहीं होते थे, कांच के अलावा किसी भी बर्तन में आप नमक को रख दीजिए, कुछ समय में वो नमक उस बर्तन को ख़त्म कर देगा। चीनी मिट्टी के बर्तन उस समय आजकल जैसी चीनी मिट्टी के होते हैं, पॉलिश किए हुए, इस तरह की चीनी मिट्टी के भी मर्तबान नहीं होते थे। उस समय आग से या धूप से पकाए हुए घड़े और इस तरह के बर्तन होते थे जिसमें नमक नहीं रखा जा सकता था। तो उन लोगों का तरीका ये था, हर घर वाला साल भर के लिए जितनी नमक उसको चाहिए उतने क्रिस्टल के रूप में जो नमक है, जैसे अपना बड़ा काला नमक के बड़े क्रिस्टल्स आते हैं वैसे ही सामान्य नमक के क्रिस्टल्स आते थे, वो लोग दुकान छोड़िए हाट से खरीद कर गधों पर लाद के लाते थे। और उस जमाने के हर घर में एक छोटी सी कोठरी होती थी, सीमेंट तो होता नहीं था, मिट्टी के मकान बनते थे, उसमें एक पोर्शन में गेहूं डाल के रखा जाता था,
उसी तरह से एक छोटी सी काल कोठरी थी जिसमें नमक भर दिया जाता था, साल भर की जरूरत का नमक क्रिस्टल के रूप में गधे के ऊपर लाके या जानवरों के ऊपर लाद के लाके उसमें भर दिया जाता था और साल भर घर वालों की जरूरत के अनुसार उसमें से नमक लिया, पीसा, परोसा, खाने में मिलाया। जानवरों को भी नमक देना जरूरी था, नहीं तो जानवर गिर के डिहाइड्रेशन या लू के कारण मर जाते थे। तो बस काल कोठरी में से नमक निकाला, पीसा या पानी में मिलाया, खाने में डाला, जानवरों को भी दिया, आपने भी उसका सेवन किया। इस तरह से नमक का उपयोग होता था प्रभु यीशु के समय में। बहुत महंगी चीज भी थी उस जमाने के लोगों के लिए। नमक न केवल महत्वपूर्ण चीज थी बल्कि उनको तीन बातें नमक के बारे में याद रखनी थी। नंबर वन, हर चीज नमक के बिना बेस्वाद है। शक्कर के बिना तो लोग बहुत खाना खाते हैं लेकिन नमक सारी दुनिया में स्वाद देने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसका विश्वासी के जीवन से बहुत संबंध है, मैं अभी बोलता हूं पहले। लेकिन नमक की विशेषता जो प्रभु यीशु और प्रभु के साथी लोग समझते थे, श्रोता लोग समझते थे, वो जरा देख लें। नंबर वन, स्वाद देने के लिए एक सार्वलौकिक चीज है। नंबर दो, सारी दुनिया में नमक का उपयोग दवा के रूप में भी होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं में अभी भी नमक पड़ता है। चोट लगती है, आजकल तो एंटीबायोटिक्स आ गए हैं लेकिन इसके पहले जमाने में चोट लगने पर नमक का पानी बनाकर उससे साफ किया जाता था। इवन जल जाने पर नमक का पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता था। तो नमक न केवल सार्वलौकिक यूनिवर्सल स्वाद देने वाला है, नमक एक औषधि भी है। उसके अलावा नमक का एक और उपयोग है। हम सब जानते हैं कच्चे आम को काटकर सुखाने से पहले उसको नमक में डाला जाता है और तब उसको सुखाओ तो उस पर फंगस आदि नहीं लगते हैं, फफूंदी नहीं लगती है। तो किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए नमक जरूरी है। आम का अचार बिना नमक के डाला जाए तो अचार तो बन जाएगा, अचार में ना तो स्वाद होगा ना वो सुरक्षित रहेगा। तो नमक के तीन महत्वपूर्ण उपयोग आज भी हैं, प्रभु यीशु के जमाने में भी थे। नंबर एक, हर चीज को स्वाद देने के लिए। नंबर दो, औषधि के रूप में। नंबर तीन, सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थ या जो सड़ गल जाते हैं ऐसी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। ये तीन गुण वाले पदार्थ के साथ प्रभु ने अपने बच्चों की तुलना की है और कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब प्रभु ने ये कहा तो प्रभु के कहने का मतलब था कि इस दुनिया में लोगों के जीवन में स्वाद देना, लोगों के जीवन में औषधि के रूप में काम करना, लोगों के जीवन में प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करना, मेरे बच्चे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो यदि आप मुझसे पूछें कि ब्रदर, आपने परमेश्वर के वचन से पिछले हफ्ते हमको ये याद दिलाया कि हम या मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, लेकिन शेयर करने के लिए मेरे पास क्या है? बस प्रभु के द्वारा एक नया जीवन पाया है, उसके बारे में तो मैं एक बार बता दूंगा, खत्म हो गया, मेरे पास क्या है? तो प्रभु, मैं नहीं, प्रभु स्वयं कहते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी के नमक के रूप में पृथ्वी में इसलिए रखा है कि हम उनके जीवन में स्वाद ला सकें, हम उनके जीवन में औषधि के रूप में काम कर सकें, हम उनके जीवन में प्रिजर्वेटिव, सुरक्षित रखने वाली चीज के रूप में काम कर सकें। लेकिन इतना ही नहीं, प्रभु ने उसके साथ साथ एक दो बातें और बोली। देखिए, ये जो पद हमने पढ़ा है, एक्चुअली इस पद में ना केवल हम प्रभु ने हमको क्या दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं बल्कि हम कुछ और भी बातें वहां पर समझते हैं। और आज मैं आपके सामने नमक के गुणों के बारे में तो मैंने बता दिया, तीन बातें जो नमक के द्वारा प्रभु आपको बताना चाहते हैं वो तीन बातें बताना चाहता हूं। नंबर एक,
हम में से हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको क्या बना दिया है। सिर्फ इतना नहीं कि प्रभु ने चंगाई दी है, चंगाई दी है यह सही है, लेकिन सिर्फ चंगाई नहीं दी है, प्रभु ने हमको बदल दिया है। वो हिंदी में एक बहुत सुंदर गाना है कि जिंदगी में रंग भर दिया प्रभु यीशु जब आए। हम कभी ना कभी उस गाने को सीखेंगे और गाएंगे। तो पहली बात जो प्रभु मुझे और आपको बताना चाहते हैं वो यह है कि प्रिय बच्चों, प्रभु आपसे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुमको ना केवल उद्धार दिया है, तुमको और कुछ बनाया है। क्या बनाया है ये बात सब तुमको समझ लेनी चाहिए। नंबर दो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, प्रभु यहां बोलते हैं मैंने तुमको कुछ बनाया लेकिन तुम अपनी लापरवाही के कारण, केयरलेसनेस के कारण कुछ और बन सकते हो जो कि अच्छा नहीं है। तीसरी बात प्रभु ने कहा वो फेंक दिया जाएगा, लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा, जिसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि हम जो करते हैं उसका फल हमारे जीवन में होगा। मैंने कुछ हफ्ते पहले जब स्वामी वापस आकर स्वामी ने हिसाब पूछा था, वो परमेश्वर के वचन से वो बात आपको बताई थी, उसमें जिस दास ने लापरवाही दिखाई थी उसको उसका फल देना पड़ा। यही प्रभु यीशु आज हमको बताना चाहते हैं, हमको कुछ बनाया, लापरवाही करें तो हम कुछ और बन जाएंगे, और यदि ऐसा होगा तो हमारे जीवन में प्रभु के सामने हमको ना केवल हिसाब देना पड़ेगा बल्कि सजा होगी। आइए इन बातों को जरा क्रमबद्ध तरीके से देखें। तीन पॉइंट। नंबर वन, प्रभु ने हमको क्या बनाया है। प्रभु ने हमको बहुत कुछ बनाया है, जिसमें आज जो पोर्शन पढ़ा है उसमें हम देखते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या मतलब? जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो व्यक्ति दुनिया में हर एक के जीवन में स्वाद भरता है। आज मेरे और आपके चारों तरफ ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो मेरे और आपके समान पढ़े लिखे हैं, जीवित हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक बनाया। सिर्फ नमक ही, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको नमक बनाया, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम नमक हो, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके जीवन में स्वाद भरना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। नंबर वन, उनके जीवन में औषधि के रूप में काम करना हमारी जिम्मेदारी है, उनके जीवन में प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था, प्रभु ने आपको क्या बनाया है, प्रभु ने आपको पृथ्वी का नमक बनाया है, जाकर लोगों के जीवन में स्वाद भरिए, जाकर लोगों के जीवन में औषधि के रूप में काम कीजिए, जाकर लोगों के जीवन में प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य कीजिए। लेकिन प्रभु ने जब ये बताया कि प्रभु ने हमको क्या बनाया है, उसके साथ साथ प्रभु ने एक चेतावनी भी दी है, और वो चेतावनी यह है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। हम में से किसी ने नमक का स्वाद बिगड़ते हुए नहीं देखा है। मेरा अनुमान है कि यहाँ पर तो कम से कम किसी ने नमक का स्वाद बिगड़ते हुए नहीं देखा है। जो यहाँ जितने जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं शायद उन्होंने अपने बचपन में देखा हो, लेकिन पिछले एक 60 साल से, लगभग 60 साल से नमक प्लास्टिक के थैलों में मिलने लगा है, और पिछले 40 साल से तो सिर्फ प्लास्टिक के थैलों में आता है। लेकिन प्रभु यीशु के ज़माने में जैसा मैंने याद किया, ना तो प्लास्टिक होता था, ना ही कांच के मर्तबान होते थे, बल्कि लोग पहाड़ियों से काट काट कर नमक के क्रिस्टल बाजार में हाट में लाके बेचते थे, और हर एक घर वाला अपनी ज़रूरत के समान गधे या अन्य जानवरों के ऊपर नमक लाद के, क्रिस्टल लाद के घर पे लाके वो जो कोठरी होती थी उसमें भर देता था।
जो लोग इस तरह से करते थे तो उन लोगों ने नमक का स्वाद बिगड़ते हुए देखा है. कैसे? वो जो मिट्टी की कोठरी है उसमें से जरूरत के अनुसार नमक निकालते 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 समय भी वो एक खास ख्याल रखते थे, बीच बीच में जो नमक है वो घर वालों के लिए लिया जाए और बाहर की तरफ जो नमक है वो जानवरों को दिया जाए. इसलिए कि नमक आप जब मिट्टी की कोठरी में डाल देते हैं तो जो एकदम बाहर की तरफ जो नमक है वो मिट्टी की दीवार से जुड़ा रहेगा, और नमक के क्रिस्टल्स को मिट्टी की दीवार से जोड़कर आप रख दें तो क्या होगा, मिट्टी और नमक एक दूसरे से मिलने लगेंगे. नमक धीरे धीरे उस मिट्टी को गीला करके सोख के अपने में मिला लेगा. बीच में से नमक लेकर घर के काम के लिए और बाहर का नमक लेकर जानवरों के लिए यूज करके आखिर में साल में जब सारा का सारा नमक खत्म हो जाता था और जब नया नमक लाने का समय था उस समय वो लोग एक काम करते थे, उस कोठरी में सबसे नीचे और दीवारों पर लगी हुई नमक उसको खुरच कर निकालते थे. क्यों? इसलिए कि मिट्टी के साथ मिलने के कारण, मिट्टी के साथ मेल मिलाप के कारण नमक का स्वाद, वो दीवार से जुड़ी हुई जमीन से लगी हुई नमक का स्वाद पूरी तरह से खत्म हो गया था. नमक का स्वाद बिगड़ जाए, प्रभु यीशु ने कहा नमक का स्वाद बिगड़ जाए. अभी भी उस मिट्टी को आप जीभ पे रखेंगे तो नमकीन लगेगी, लेकिन उस नमक का उपयोग आप कर सकते हैं क्या? नहीं. इसलिए प्रभु ने कहा नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो उसको फिर से नमकीन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो बेकार है. आप क्या करेंगे? तो उन दिनों वो मध्य पूर्व में प्रैक्टिस ये था कि साल भर की नमक के उपयोग के बाद वो उस काल कोटरी को खुरचते थे. खुरचने पर मिट्टी और नमक मिक्सचर, स्वाद बिगड़ा हुआ नमक मिलता था. अब उसको क्या करें? उसका आप खेत में नहीं डाल सकते. क्यों? वो खेती को मार डालेगा. उसको आप गड्ढा करके गड्ढे में नहीं डाल सकते. क्यों? पानी बरसेगा तो वो जो है मिट्टी में फैलेगा और आपकी खेती को बर्बाद कर देगा. क्या करते थे? घर के सामने हर आदमी अपने घर के सामने जो सड़क थी उस पर डाल के उसको कूट कूट के जमा देता था और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता था. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह किसी काम का नहीं केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए, खेत में नहीं फेंका जाए, गड्ढे में नहीं गाड़ा जाए, बाहर फेंका, घर के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. तीन बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने बताई. नंबर वन, मेरे बच्चों तुमको मैंने इस पृथ्वी का नमक इसलिए बनाया है कि तुम इस संसार के लोगों के जीवन में खुशी, आनंद और सुरक्षा की भावना से उनको भर दो. लास्ट हफ्ते मैंने जो आपसे कहा था कि यह संदेश आपको दूसरों को सुनाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस जाके बताओ कि प्रभु के द्वारा मैंने नव जीवन पाया, बल्कि आपका जो जीवन है वो जीवन है नमक. उस जीवन के द्वारा लोगों को दिखना चाहिए, अरे बाप रे कैसा जीवन है, कैसा आनंदमय जीवन है, मेरे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए था. आपको मालूम है जब लेडीज एक दूसरे से मिलती हैं तो अरे भाभी कल तुमने जो खाना बनाया था कैसा स्वादिष्ट खाना था, वो जरा हमको भी सिखाओ. तो भाभी कहती है अरे कुछ नहीं है, तूने जो बनाया था उसमें जस्ट लास्ट में उबलने से पहले 2 टीस्पून घी डालना है, वो भी गाय का नहीं भैंस का घी डाल देना और वैसा ही स्वादिष्ट हो जाएगा. करते हैं या नहीं करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं. मेरी बेटी इन दिनों घर आई हुई है और बाकायदा जो है नोटबुक डायरी लेके बैठती है कि मम्मी मुझे वो भी बता दो और आपका ये फार्मूला भी बता दो, वो फार्मूला भी बता दो, ये भी बता दो, और वो नोट करती जा रही है. तो मैं कई बार उसको जो है छेड़ता भी हूँ कि पति पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है तू अच्छा खाना बना के. लेकिन यदि स्वाद है भोजन में तो हर व्यक्ति उस स्वाद के बारे में चर्चा करता है,
हर व्यक्ति वो स्वादिष्ट भोजन पसंद करता है, उसी तरह से प्रभु ने जब मुझे और आपको पृथ्वी का नमक बनाया, तो जब प्रभु ने जिस तरह से हमसे चाहा है वैसा जीवन जब हम बिताते हैं, तो हमारा जीवन पृथ्वी का नमक बन जाता है। और के कहता, अरे भैया ये तो मुझे भी चाहिए, ये तो मुझे भी बताओ, जरा मेरे जीवन में भी आने दो। तो जब आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, तब आपका जीवन दूसरों को स्वाद देगा, दूसरों के जीवन में औषधि के रूप में काम करेगा, दूसरों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है कि हमें, हमको जो खुशी मिली है वो खुशी दूसरों को बतानी है, तो यदि आपके मन में प्रश्न हो कि क्या है बताने के लिए, सिर्फ एक ही बात है, तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रभु ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक बनाकर हमारा संपूर्ण जीवन इस तरह का बनाया है कि इस जीवन को देखकर दूसरे लोग आनंद हों, आनंदित हों, और हमसे पूछें कि भैया जरा उसका रहस्य हमको भी बताओ, हम भी ये चाहते हैं। नंबर वन, प्रभु ने आपको क्या बनाया है इस बात को समझे। नंबर टू, लापरवाही करेंगे तो नमक का स्वाद जिस तरह से बिगड़ जाता है, उस तरह से हमारा स्वाद भी बिगड़ सकता है, बिगड़ता है। कैसे लापरवाही? देखिए, वो जो नमक शुद्ध नमक के साथ संपर्क में था वो शुरू से आखिर तक शुद्ध रहा, लेकिन वो नमक जो मिट्टी के पास था वो सिर्फ नमक के साथ जुड़ने के बदले अपने से घटिया वस्तु के साथ मेल मिलाप करता है। आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना चाहिए जिसका नजरिया हमारे नजरिए से मिलता है, जिसके सोचने का तरीका हमारे सोचने के तरीके के समान है, जो पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं। तो वो नमक जो बीच में था वो अलग रहा, शुद्ध रहा। जो नमक दीवार के साथ जुड़ा, जो मिट्टी के साथ जुड़ा, जिसने मिट्टी के साथ बहुत ज्यादा संगति की, उसका स्वाद बिगड़ गया। हम में से हर एक को अपने आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें, ऐसी मंडली के साथ संगति करें जो हमारे अंदर जो स्वाद है, हमारे अंदर जो औषधि गुण है, हमारे अंदर दूसरों को सुरक्षा देने के लिए जो गुण है उसको सुरक्षित रखें, वो बिगड़ ना जाए। बिगड़ जाएगा, यदि स्वाद बिगड़ गया तो प्रभु निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। मैंने दो बच्चे पाले हैं, मेरे बच्चे कोई स्वर्ग से उतर कर नहीं आए थे, जैसा मैंने आपको बताया मनुष्य जन्म से ही पाप का भंडार है, गलतियां करते थे, डांटते थे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती थी जब उनको बाकायदा सजा देने की जरूरत पड़ती थी, और मैं तो बाकायदा बिजली के तार का एक टुकड़ा जो है वो टांग रखा था घर में, जिससे बच्चे आते जाते उसका दर्शन कर सके कि ये डैड के हाथ में हथियार है जो जिसका प्रयोग हमारे आसन पर होगा यदि डैडी के कहने के अनुसार ना करें। बाइबल बार बार हमको बताती है कि प्रभु ना केवल हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में लंघन आया तो प्रभु सजा भी देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो तुम नमक हो, तुम नमक का काम करो, तुम यदि नमक का स्वाद अपनी लापरवाही के कारण बिगाड़ दोगे तो उसको खुरच कर सड़क पर फेंक दिया जाएगा, लोग उसको रौंद देंगे, लोगों के पैरों तले आना, और उसको रौंद के लोग जो चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन में वो परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। प्रभु के बच्चे हम इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु ने अपनी असीमित कृपा, असीमित दया और असीमित प्रेम हमको दिखाया है। प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रभु के कृपा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रभु के सहन की सीमा है। क्यों?
इसलिए कि प्रभु हम नहीं चाहते कि हम बिगड़ जाएं, प्रभु नहीं चाहते कि हम अपना नमकीनपन खो दें। और इस कारण जब प्रभु को लगता है कि यह व्यक्ति सीमा से ज्यादा संसार से जुट गया है और इसने अपना स्वार्थ खो दिया है, तो प्रभु हमारे ऊपर अनुशासन की कार्यवाही करते हैं, जो उस नमक को खुरच कर सड़क पर फेंकने के समान है। एक फर्क है नमक में, सड़क पर फेंके हुए नमक में, और मुझ में और आप में एक अंतर है। वो अंतर यह है कि प्रभु की करुणा असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो नमक जो स्वाद खो जाने के कारण खुरच कर सड़क पर फेंक दिया गया था, वो कभी भी नमक की कोठरी में वापस नहीं जा पाएगा, कभी भी लोगों के जीवन में स्वाद नहीं दे पाएगा। लेकिन मुझसे और आपसे प्रभु की करुणा और प्रभु का प्रेम इतना असीमित है कि प्रभु का कोई भी बच्चा अपने जीवन के किसी भी क्षण यदि प्रभु के पास वापस जाता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैंने गलती की, तो इमीडिएटली प्रभु हमको क्षमा कर देते हैं। प्रभु के वचन में हम ये बार बार देखते हैं कि किस तरह से प्रभु उदारता के साथ अपनी क्षमा अपने बच्चों के ऊपर दिखाते हैं। अरे जिस व्यक्ति जो मैं और आप जो जन्म से पापी थे, जिनके जीवन में कोई अच्छी बात नहीं थी, यदि हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजकर हम अयोग्य लोगों को बचा लिया, तो हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु की संतान हो जाने के बाद हमसे यदि गलती हो जाती है तो प्रभु से सिर्फ एक वाक्य बोलने की जरूरत है कि हे पिता मुझसे गलती हो गई, और प्रभु क्षमा कर देंगे। तो हम पृथ्वी के नमक हैं, लेकिन नमक में और हम में एक अंतर यह है कि नमक जब बेकार हो जाता है, उसका स्वाद खत्म हो जाता है, तो फेंक दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को सदा सर्वदा के लिए डिसिप्लिन नहीं करते हैं, सजा नहीं देते हैं। प्रभु सजा देते हैं तो उसका प्रभु उसके पीछे प्रभु की इच्छा है कि हम बदल जाएं, हम वापस चले जाएं, हम जाके कहें कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, क्षमा कर दीजिए, मुझे वापस ले लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक क्रमबद्ध तरीके से ये क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें हर पिछले क्लास से अगला पाठ जुड़ा हुआ है और अगले पाठ के साथ उसका अगला पाठ जुड़ा हुआ है। पिछले पाठ में हमने ये देखा था कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस हर व्यक्ति को जाते जाते हर व्यक्ति को जोर जोर से बताना है कि मैंने प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाया है। उससे संबंधित आज का मेरा पाठ था। आप पूछेंगे कि ओके ब्रदर, मान लीजिए मैंने साथ वाले को बता दिया कि मुझे नया जीवन मिला है, बस खत्म हो गया क्या, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या, या इसके अलावा मेरे जीवन में क्या है जिसको मैं दूसरों को बता सकूं? तो आज के पाठ में मैंने आपको ये बात याद दिलाई, ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु यीशु बोलते तुम नमक हो। ऐसा बोला क्या प्रभु ने? नहीं, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब इस पृथ्वी में जहां लाखों करोड़ों लोग एक नया जीवन पाना चाहते हैं, जिनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, उनके जीवन में स्वाद देना आपकी जिम्मेदारी है, उनके जीवन में औषधि देना आपकी जिम्मेदारी है, उनके जीवन में सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सब नमक के फंक्शन है, यह है जो प्रभु ने आपको बनाया। लेकिन जो नमक अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, मतलब सही फेलोशिप के बदले आलतू फालतू फेलोशिप में जाता है, संसार के साथ जो मेल मिलाप करता है, संसार के साथ मिल जाता है, संसार को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो व्यक्ति नमक होते हुए भी कैसा नमक है? बिगड़ा हुआ नमक है। उसको खुरच कर फेंक दिया जाएगा। हम नमक है,
हमारा स्वाद ना बिगड़ जाए, हमारे जीवन में प्रभु की तरफ से डिसिप्लिन ना आने पाए, इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। फिर से मैं याद दिला दूं, प्रश्न ये था कि ओके आप कहते हैं कि सबको बताना है, क्या बताना है? अरे भैया, आपको और मुझे प्रभु ने संसार का नमक बनाया है। हम उनके जीवन में प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति हमको मिली है, ये मुक्ति के बारे में बताकर उनके जीवन में चंगाई दें, औषधि के रूप में काम करें। प्रभु यीशु के संगति के द्वारा उनके जीवन में स्वाद दें और अनंत नरक से बचाकर उनको सुरक्षा प्रदान करें। इस तरह से करने के लिए और इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को और गहराई से सोचने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु ने हमारी मदद की तो अगले हफ्ते हम इसी से संबंधित जुड़ा हुआ अगला पाठ देखेंगे, जिससे कि सारे पाठ एक दूसरे से जुड़े हों, तो परमेश्वर का वचन हमसे जो कहना चाहता है उसको स्पष्टता से हम समझ सकेंगे। प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।